जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चले रंग ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं खंडित रेखाओं के बारे में। दोस्तों, क्या है कि खंडित रेखाओं का विश्लेषण करना हमेशा कठिन होता है। कठिन किस लिए? बिकॉज उसके प्रभाव जो है ना, वो हमेशा आपके लिए नुकसानकारक ही होते हैं। ठीक है, वो तकलीफ ही देने वाली होती है या बहुत कुछ गलत। तो जब उसकी बात होती है विश्लेषण में भी, तो काफ़ी सावधानी से उन चीज़ों को आपके समक्ष रखना पड़ता है, बिकॉज उसका प्रभाव आपकी सोच पे पड़ता है और आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे कहना मुश्किल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ना पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो तो अब आ चुकी हैं, तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये है कि जहाँ तक हो सके उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसे निष्प्रभावी करने के कदम हम उठा सकते हैं, और उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम से कम या बिल्कुल नगण्य रूप में हम तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिकॉज अगर आप हिम्मत हारते हैं तो एवरीथिंग इज लॉस, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो खंडित रेखाओं के संबंध में जो मैंने बात कही है, ये सारी रेखाओं पे लागू होती है। ठीक है, जैसे आपकी हृदय रेखा है, मान लो यहाँ से चली, यहाँ आके थोड़ा सा ये खंडित होके फिर दूसरी रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, ये यहाँ पे खंडित होना निश्चित तौर पे आपके इमोशंस को एक समय ऐसा आता है कि जब प्रभावित करता है और आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ खोते हैं। हृदय रेखा पे ऐसा होना तो खैर सबसे ज़्यादा टफ है, बिकॉज ऐसी स्थिति में व्यक्ति वैसा कुछ खोता है जो कि उसे सबसे अधिक प्रिय हो। अगर मान लो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा चल रही है, ठीक है, यहाँ पे आके खंडित हो गई, निकल गई, ठीक है, ऐसे निकल गई, ऐसे करके निकल गई, मतलब यहाँ पे खंडित हो गई या यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, एक कहीं पे भी हो गई, इसका खंडित होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों को आपके लिए खड़ा कर देता है। ये अचानक से करता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा में अगर खंडन हो जाए, ये विखंडित हो जाए, तो एक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को एकाएक। सब कुछ अच्छा रहे, पता ही नहीं चले कब कैसे सब कुछ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ों को उस प्रकार से प्रभावित करती है। कभी कभी एक खंडन रेखा होते हुए भी आपके लिए कुछ स्थितियाँ सुलभ होती हैं, उसका कारण क्या है? इसका बहुत ही गुड विज्ञान है। इसके जब हम भीतर जाते हैं, जब कुंडली में जाएंगे, जब आपके माता पिता हैं या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी हथेलियों में जाएंगे, तब उन चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं कि हाँ, ये होने के बाद भी अगर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कहीं ना कहीं से सपोर्ट उसे मिल रहा है। ठीक है, एक हमारे थे यजमान ही थे, उनपे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मंगल दोष था उनका। लेकिन जब मैं उनसे मिला, उस समय वो शादीशुदा थे और काफ़ी अच्छा जीवन उनका जा रहा था, तो ऐसे ही उन्हें एक बार पता चला था कि ऐसे ऐसे मंगल दोष होने पे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत बार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि आखिर देखिए पंडित जी, आखिर क्या ये प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो जब मैंने उनकी देखी, और वैसे भी जिस दशा में वो थी, जिस प्रकार से पूर्ण रूप से उन पर सक्रिय थी, ऐसी अवस्था में विवाह के बाद बमुश्किल 1.25 साल, ठीक है, यानी कि 15 महीने के अंदर प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन नहीं, उनकी तो शादी के 8 से ऊपर साल हो गए थे, फिर भी सब कुछ बेहतर। सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं कुछ अलग है, कुछ अद्भुत है, कुछ ऐसा है जो कि अमूमन नहीं होता है। और उनकी जब वाइफ की हॉरोस्कोप को एनालाइज हमने करा, तो चीज़ें स्पष्ट थी। शनि का प्रभाव ऐसा था जो कि बिना किसी निवारण के भी उस दोष को उसने निष्प्रभावी कर दिया था। तो होता है कभी कभी, लेकिन ये मिरिकल है, बहुत कम ऐसा होता है। अमूमन जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ तो आपके लिए वो जीवन को ह्रास करती है। जीवन रेखा पर ऐसी परिस्थिति आ जाए क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा जीवन पर संकट की स्थिति, ठीक है, जीवन के इस अवस्था में
बहुत ही मुश्किल होता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा। ठीक है, किस्मत अगर साथ हो तो पता भी नहीं चलेगा 24 घंटे के अंदर किसी प्रकार की कोई विशेष रेखा इस दोनों को बॉन्ड कर देगी। ठीक है, आप सुनते होंगे बाल बाल बच गया हो। ठीक है, होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन अमूमन बहुत कम ही ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। लेकिन सबके साथ तो नहीं होता, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, मिरेकल के उम्मीद में हम अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट जाएं, ये कभी भी सही नहीं है। बुध की रेखा टूट के आगे बढ़ी है, मुश्किल है, देगी, रोकेगी, हमारे जीवन को रोकेगी कभी है। सूर्य की रेखा खंडित है, खंडित होगा, हमारा जो पथ है वो व्यवधान उसमें उत्पन्न होगा, निश्चित होगा। कोई भी खंडन व्यर्थ नहीं जाती, जो भी रेखाएं हैं ना अपना काम करके जाएंगी। ठीक है, हमें पूर्ण सम्मान के साथ उपाय करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, तो हमें किनारा मिलेगा और हम बेहतर गति से अपने जीवन को आगे की तरफ सुचारू रूप से ले जा पाने में सक्षम होंगे। तो जब भी हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, जीवन रेखा हो, बुध की रेखा हो, शुक्र की रेखा हो, गुरु की हो, शनि की हो, सूर्य की हो, स्वास्थ्य रेखा हो, चंद्र की हो, मंगल की हो, राहु केतु कहीं भी हो, अगर खंडित है, विवाह की हो, खंडित है, तो उसके बारे में जानना चाहिए, उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसे हम निष्प्रभावी कैसे करें, उसके बारे में रेमेडी लेनी चाहिए, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम एक हमारे यहाँ कहावत है कि हम कोयला बचाने के चक्कर में सोना गंवा बैठते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम छोटा सा कुछ बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी चीज़ें गंवा देते हैं। इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इस प्रकार से करना चाहिए, समस्याओं से मुक्ति पानी चाहिए, बिकॉज दुनिया में सब कुछ है, सारे सॉल्यूशन भी हैं, सारे प्रॉब्लम भी हैं, डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।